नमस्कार दोस्तों, करण कुंद्रा भड़के हैं और भड़कने की सबसे बड़ी वजह क्या है? भड़कने की सबसे बड़ी वजह है कि तेजस्वी प्रकाश पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, धनाधन फॉलो जरूर करें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि करण कुंद्रा के लिए एक बड़ी बात, करण कुंद्रा ने तेजस्वी के लिए एक बड़ी बात बोल दी है। तेजस्वी को कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, नागिन मिल गया इसलिए वो जीत गई, शमिता शेट्टी ने नाम लेते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह दी, प्रतीक सहजपाल कह रहा है कि भैया ये तो तेजस्वी की किस्मत में लिखा था, ये वो फलाना ढिमकाना। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं, करण कुंद्रा ने साफ तौर पर बोला है, Everybody feels bad for the people they have loved or supported. Big Boss is a 700 to 800 crore property. Do you think that the makers would risk a rupees 700 to 800 crores property? Something that has been running for 15 years with Salman Bhai on top. Just to favor somebody for one show, ki ye show ki nagin. ये शो नागिन 6 में या आएगी तो इसके लिए हम इन्हें ये शो बिग बॉस 15 जिता देंगे। पुट स्टैटिस्टिक्स नाउ, नोबडी वुड टेक दैट रिस्क, इट डजंट मेक सेंस। दोस्तों, करण कुंद्रा ने साफ तौर पे तेजस्वी को जो लोगों ने जितनी खरी खोटी सुनाई है, जितनी बातें बोली हैं, उस पर अब करारा जवाब दिया है। उस पर साफ तौर पे बोल दिया है कि सभी लोगों को बुरा लग रहा है कि अरे उनका प्यारा वाला जो है नहीं जीते, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन सच्चाई ये है कि बिग बॉस एक 700 से 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी को रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे मेकर्स, आई एम श्योर। और सलमान भाई, और वो भी तब जब सलमान भाई नंबर 1 पोजिशन पर है। दोस्तों, आपको क्या है कहना, कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं।